वंचित बहुजन आघाड़ी के उबैद बा हुसैन, जिम्मेदारान में शामिल सईद अल कसीरी, अब्दुल समी, मोहम्मद फैजान, अब्दुल्ला चाउश व दीगर जिम्मेदारान ने डिप्टी कमिश्नर और नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के अपोजिशन लीडर दीपक सिंह रावत से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि अरब गली के नाम को तब्दील ना होने दे और तजवीज़ के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान का ताउन पेश करे। दरअसल ये मामला नांदेड़ शहर का अरब गली इलाका, एक कदीम गुंजान मुस्लिम आबादी वाला इलाका जो कदीम शहर में वाक़ है। नांदेड़ वागाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग 30 जुलाई के रोज़ ऑनलाइन मुनक़द हुई थी, जिसमें देहात, मोहल्ले, गलियों के नाम तब्दील करने के मसले पर तबादले ख्याल किया गया था। जोनल ऑफिसर ने ये तजवीज़ पेश की थी कि अरब गली का नाम तब्दील किया जाए। शहर का एक बहुत कदीम इलाका है अरब गली, जो कदीम शहर में वाक़ है, किले के नज़दीक में। महानगर पालिका की जो पिछली जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी 30 जुलाई को, उसके अंदर आइटम नंबर 1 और सीरियल नंबर 22 के ऊपर महानगर पालिका के जोनल अधिकारी ने ये प्रस्तावित किया था कि अरब गली का नाम बदला जाए। और क्योंकि उन्होंने उसके लिए संदर्भ दिया था कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक जीआर निकाला था, जिसके अंदर जाति आधारित या जातिवाचक शब्द के ऊपर जो इलाकों का, गाँव का या जो रास्तों का नाम था उसको बदला जाए। इसी संदर्भ में महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा में एक ठहराव आया था और वो ठहराव के ऊपर चर्चा हुई और वो अभी ठहराव पास नहीं हुआ है। उसमें अरब गली का नाम भी बदलने की बात कही गई है। इसके खिलाफ़ हमने ऑब्जेक्शन लेते हुए सबसे पहले आज महानगर पालिका के जो मेयर के प्रतिनिधि हैं, महापौर के प्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात की और येवनकर जी को ये बताया कि जो अरब गली है ये कोई जातिवाचक आधारित शब्द नहीं है, बल्कि ये भाषा के आधार पे बनाया हुआ शब्द है। क्योंकि उस इलाके के अंदर, हमने पूरे संदर्भ के साथ ये बात कही है कि 1961 के अंदर जो सेंसस हुआ था भारत सरकार द्वारा, इसके अंदर ये बात साबित होती है कि नांदेड़ तालुक़े में कई लोग अरबी ज़बान जानते थे, बोलते थे और उनकी मातृभाषा यानी उनकी मादरी ज़बान अरबी थी। और यही बात 2011 के भी सेंसस में साबित होती है कि वहाँ पर नांदेड़ के तालुके के अंदर 2011 के सेंसस में कई लोग अरबी ज़बान बोलते थे, जानते थे और उनकी मादरी ज़बान अरबी थी। इसी तरह से वहाँ पे एक मदरसा है, मदरसा ऐदरूसिया, जिनको हबीब जाफ़र, जो हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उसको 17वीं सदी में वहाँ पर एक मदरसा ऐदरूसिया बनाया था। ये हो सकता है मलिक अंबर साहब के ज़माने में बनाया हुआ है। 1973 की गज़ेट के अंदर भी इस बात का पूरी तरह से उल्लेख मौजूद है, वक्फ़ गज़ेट में, कि वहाँ पर मदरसा ऐदरूसिया है जो दरबार मस्जिद को मुंसलिक है और वो मलिक अंबर के ज़माने से वहाँ पर मौजूद है। उसके वाकिफ़ जो हैं या उसके जो निर्माता हैं वो मलिक अंबर है। इस तरह की नोंद 1973 वक्फ़ गज़ेट में मौजूद है। महाराष्ट्र सरकार ने एक कुछ 2014 में एक जीआर निकालकर मुसलमानों को 5% आरक्षण रिजर्वेशन दिया था नौकरियों में और जॉब और तालीम में। उस रिजर्वेशन के जो जीआर है उसमें इस बात का क्लियरली उल्लेख है कि चौश ये कास्ट है, शेख ये कास्ट है और सैयद ये कास्ट है। अरबों में भी इसी तरह से शेख, सैयद और चौश ये अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग ज़ातें हैं। इसका अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो 1971 में जमीयतुल यमन बिल हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उस्मान साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि नांदेड़ में शेख बाहुसैन हैं, यहाँ पर अलग अलग लोग की जो कबाइल हैं उसमें कुछ लोग सैयद कबाइल भी हैं। तो ये सब अरबी ज़बान जानने वाले या कहीं ना कहीं 16वीं सेंचुरी के आसपास हिंदुस्तान में आए हुए हैं, उसके तमाम रेफरेंसेस हमने आज यहाँ पर दिए हैं। इन सब बातों से ये बात साबित होती है कि जो अरब गली का नाम है ये किसी भी ज़ात के आधार पर रखा हुआ नाम नहीं है, बल्कि ये भाषा के आधार पर रखा हुआ नाम है। ये एक अलग टाइप के ये एक ऐसे लोगों का समूह है, ऐसे लोगों का ग्रोह है जो अरबी ज़बान में बात करते हैं। इनकी एक अलग पहचान है, इनके कपड़े जो पहनने का तरीक़ेकार है वो अलग है, इनके खान पान का तरीक़ा अलग है और इनमें जो अलग टाइप के बिरादरियां हैं
इनमें सैयद भी हैं, शेख भी हैं और चौश भी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2014 के जीआर में इस बात का उल्लेख किया है कि चौश ये कास्ट है, उसमें किसी भी तरह से अरब ये कास्ट का उल्लेख मौजूद नहीं है, जिक्र मौजूद नहीं है। तो आज हमने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से, के जो एडिशनल कमिश्नर है उनसे भी मुलाकात की, और हमने विरोधी पक्ष नेता से भी मुलाकात की और महापौर के प्रतिनिधि से भी मुलाकात की, और उन्हें ये सब बातें बताते हुए हमने संविधान की धारा 29(1) के हिसाब से ये बात बताई है कि जो लोग एकदम मुनफरिद अपनी पहचान रखते हैं और वो भारत के किसी भी कोने में रहते हैं और उनकी अलग ज़ुबान है, अलग तरह के कपड़े लिबास पहनते हैं, इनको पूरी तरह से इख्तियार है कि वो उसके लिए, उसको महफूज रखने के लिए जद्दोजहद करें। इस तरह की मांग आज हमने की है कि संविधान के हिसाब से, दस्तूर हिंद के हिसाब से हमें ये पूरा इख्तियार है कि हम हमारे इलाके का नाम अरब गली रखें, और प्रशासन ये बिल्कुल गैर संवैधानिक तौर पर अरब गली का नाम बदलने की कोशिश कर रहा है। हम प्रशासन से भी विनंती करेंगे कि वो किसी भी तरह से अरब गली के नाम को ना बदलें, और आने वाला जो एजेंडे को जब वो फाइनलाइज करेंगे अगली जनरल बॉडी मीटिंग में, तो अरब गली का नाम उसमें से निकाल दें और अरब गली का जो नाम है वो अरब गली का नाम उसी तरह से महफूज रखें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।